आप लोग यहाँ पर सब आए हैं हुंकारा विद हलीम के बारे में जानने के लिए। हुंकारा विद हलीम क्या है? नाम से ही थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना? हुंकारा क्या है, हलीम क्या है? मुझे बहुत फोन आते हैं कि हलीम तो एक उर्दू शब्द है, तो आपने इसको कैसे वो कर रहे हो? आप देवी जी की फोटो दिखाते हो, काली माँ की फोटो दिखाते हो और उसमें हलीम लिखा हुआ है। तो ये सब लोगों के लिए एक जानने की चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। देखिए, शब्द जो होते हैं ना, शब्द हम सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, उनका सबका मीनिंग पर्टिकुलर वही होता है। जैसे अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं तो एनर्जीज के माध्यम से याद करते हैं, तो एनर्जीज तो एक ही है, आप उसको अलग अलग नाम दे देते हो, ठीक है? तो हलीम भी जो है वो हलीम बोलते हैं हम, जब संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते तो हम हलीम बोलते हैं, बोलते हैं ना? तो आता है, स्पेलिंग में हो सकता है, पढ़ने में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है? हलीम हलीम आप बोल सकते हो, ठीक है? तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, और एक्चुअल में वो उर्दू ही वर्ड है, जो शब्द लिया गया है हलीम वो उर्दू से ही लिया हुआ है उसका, लेकिन मतलब वही है जो हम हलीम बोलते हैं। यही तो ब्यूटी है एनर्जीज की, यही तो हमारा यूनिवर्स का ब्यूटी है। हम लोग बाइफोगेशंस करते हैं, हम लोग एक दूसरे से अलग अपनी अपनी प्रथाएं चलाते हैं, लेकिन वो तो एक ही है, वो सिर्फ सब कुछ एक ही भाषा समझता है, प्यार की भाषा और समर्पण की भाषा, है ना? यूनिवर्स की एनर्जीज क्या करती हैं? हाँ, अगर हम सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, वही लैंग्वेज वो समझता है बस। तो आज हम अपने आप को उस ईश्वरी शक्ति के आगे एक समर्पण दे रहे हैं, अपने आप को अर्पित कर रहे हैं इस सुंदर सी एक नॉलेज को सीखने के लिए, इस ज्ञान को सीखने के लिए, समझने के लिए, और इसको आत्मसात करके साझा करने के लिए। हम अकेले नहीं करेंगे, हम सबके साथ करेंगे, जिससे जितने लोगों को फायदा हो सकता है उतना होना चाहिए, राइट? आप लोग सब हो मेरे साथ? एटलीस्ट अपना ये पीला वाला जो थम्सअप है ना, वो आप दिखा सकते हो, वो इजी होता है। और प्लीज चैट के ऊपर आप लोग सब रहिएगा, कोई भी ऐसा नहीं कि इंटरेक्शंस कीजिए, लेकिन हाँ, अगर मैं कोई पार्ट आपको समझा रही हूँ तो उसमें बीच में नहीं डिस्ट्रैक्ट करें, वो खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज इतना सा बी माइंडफुल, थैंक यू। चलिए, सो व्हाट विल डू नाउ? वेरी नाइस, थैंक यू टू सी ऑल द यसेस, हैप्पी टू सी। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। हुंकारा विद हलीम जानने के लिए उत्सुक हैं सभी? होता क्या है, क्या है? मैंने अपना स्क्रीन स्टार्ट किया है। हुंकारा विद हलीम देवी शक्ति है, जिसको हम एनर्जीज कहते हैं, ठीक है? एनर्जीज क्या है, कहाँ से आती हैं? हमारे आसपास है, हमारे ऑरा चक्रा में एनर्जीज है, हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो भी एनर्जीज के थ्रू होता है, ठीक है? तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है, ये बात हम सभी जानते हैं, समझते भी हैं कि हमें कोई चला रहा है ना? हम हमेशा क्या बोलते हैं, ये मेरा है। तो मेरा कौन बोल रहा है? आपके अंदर कुछ है, कोई एनर्जी है, वो बोल रही है ना, मेरा है, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं, ऐसा कभी सुना है? मैं उंगली हूं, ऐसा सुना है? नहीं, ये मेरा है। तो हमारे अंदर जो मेरा बोल रहा है वो एनर्जी फॉर्म, तो जितनी भी हमारे आसपास होती है वो एनर्जीज होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उस अंदर की एनर्जी से जब हम बाहर की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तब हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाते हैं जहां हम जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वो हो जाए। सिंपल है, सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बस एक ही काम करना होता है कि उसके उसका साथ आपको देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, ठीक है? तो चलिए हम उसी भाव से हुंकारा विद हलीम को आगे समझते हैं। सभी जानते हैं कि 10 महादेवियों की पूजा होती है, नवरात्रि में भी होती है ना? 9 देवियां हैं हमारी, हर एक के मंत्र अलग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको एक छोटा सा एक प्रार्थना ही बोलूंगी, क्योंकि देवी जी की मोडेलिटी है ये, जो हीलिंग है, ये पद्धति है, ये देवी जी की ही है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये हम एक कॉमन मंत्र है जो हम सभी देवियों के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए, आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो हुंकारा क्या है और हलीम क्या है और कैसे और कहाँ से ये आया है और हम क्यों सीख रहे हैं, वो सब हम बताएंगे, इसमें बेनिफिट्स भी बताएंगे। ठीक है, आर यू ऑल एक्साइटेड? हम सब करते रहिए, यस डालते रहिए, चैट को प्लीज एक्टिव रखिए। ओके, तो देखिए, हुंकारा विद हलीम जो है वो 10 महाविद्याएं जो है हमारी, उसमें से लिया हुआ है।